Ladies and gentlemen, I welcome you to Russell Square Rage, and this might be the final battle of this season of Russell Square Rage, and we are presenting you a special mixed tag team match. On one side we have a team of VDI and Mona, and on another side it's Alpha G and Rimi. आप सभी का स्वागत है रसल स्क्वायर रेज में, और आज हम देखने जा रहे हैं एक जबरदस्त मैच जहां पर मिक्स टैग टीम का मजा आप ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके क्लिक ऑन नोटिफाई आइकॉन पे क्लिक करें, और आप अपडेट होंगे, नोटिफाई होंगे ऐसे सभी जबरदस्त मैचेस के लिए जो कि अपलोड करने वाला है रसल स्क्वायर। और आप अपने फेवरेट रेसलर्स लाइक मोना, VDI, अल्फा जी एंड रिमी के रेगुलर मैच अपडेट्स देख सकते हैं ओनली ऑन रसल स्क्वायर। और यहां पर मैच शुरुआत करते हुए यहां पर रेफरी अल्फा जी का और रिमी का अगर मैं बात करूं, इनकी काफी पुरानी स्टोरी लाइन है। फर्स्ट एपिसोड में जब आपने देखा था सिम्पसन और अल्फा जी का मैच हुआ था, और जब मैच खत्म होने के बाद असॉल्ट हुआ था तो आए थे सेव करने के लिए रिमी और अपनी पावर की डेमोंस्ट्रेशन करी थी, और यहाँ पर अब स्पीड की डेमोंस्ट्रेशन हम देख रहे हैं अल्फा जी के द्वारा। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त हेडलॉक में जकड़ के रखा हुआ है VDI ने, और मोना रिंग के कॉर्नर में खड़ी हुई देख रही है कि कब उनको मौका मिले और रिमी के साथ उनको दोबारा दो दो हाथ करने का मौका मिले। और ये अल्फा जी मैच का कंट्रोल लेते हुए और हाथों को स्पिन कर दिया है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं देखते हुए, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने लॉक ले लिया, स्केप करते हुए यहाँ पर VDI, और VDI रिंग से बाहर जाते हुए उन्होंने टैग भी नहीं करा। मोना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि टैग दे देनी चाहिए, रिंग से बाहर जाने की क्या जरूरत है। और दोबारा आते हुए रेफरी की काउंटर सुनते हुए VDI रिंग के अंदर, और ये फाइनली टैग कर ही दिया उन्होंने। और देखिए रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं बट उनका गेम प्लान मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये क्या चाह रहे हैं। और मैच के रूल्स, यहाँ पर रिमी भी आ चुकी है रिंग के अंदर, मैदान के अंदर, और सेंटर में एक बहुत जबरदस्त तरीके से साइड टेक डाउन कर दिया है। एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है मोना का, बट पावर से फिर से काउंटर करा, और अब मोना फिर से लीड लेते हुए लेग लेग सीजर्स में, और ये मुझे लगता है बोस्टन क्रैब की ओर जा रही है, बोस्टन क्रैब लगा लिया है। और रिंग के पास होने की वजह से मोना ने अभी बहुत जल्दी ही अपने आप को रोप पकड़ के छुड़वा लिया सबमिशन से। और ये देखिए किस तरीके से एथलेटिज्म दिखाती हुई मोना अपना एक्सपीरियंस दर्शाती हुई इस रिंग के अंदर पिन लेने की कोशिश कर रही है बार बार, बट मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। और ये VDI ने देखिए पीछे से कमर पे एक लात जड़ दी है रिमी की, और मोना शॉक्ड है क्योंकि आज तक हमने मोना को क्लीन फाइट करते देखा है। और यहाँ पर VDI ने जो है उनके जो आदर्श है उनको काफी ठेस पहुंचाया यहाँ पर एज अ चीटर एक गेम प्लान के साथ। और यहाँ पर सबमिशन होल्ड करते हुए VDI, और VDI को हमने देखा है काफी हफ्तों से यहाँ पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं जो भी प्रोफेशनल रेसलिंग की ऑडियंस है पूरे इंडिया की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको वर्क करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पे, पावर पे, टेक्निकलिटी में। और मे बी अभी ये मैं मुझे लग रहा है अपना पूरा बजला निकाल रहे हैं जो अल्फा जी ने इनके साथ करा था, सेम चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं फीमेल रेसलर पे, जो कि मैं बोलता हूँ इट्स अ एक्ट ऑफ कॉवर्डनेस, और अपनी शर्ट फेंकते हुए ऑडियंस पे। और यहाँ पर लॉक में लगा रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माफी चाहूंगा, ऐसा रूल नहीं है इस मैच में कि अब फीमेल रेसलर और फीमेल रेसलर ही खेलें। अभी जो है VDI जो है एक इंटरजेंडर मैच के रूल्स के अकॉर्डिंगली रिमी को टारगेट बनाते हुए अपना और थर्ड रोप के ऊपर जाते हुए देखना होगा अल्फा जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टनर को सेव कर पाएंगे कि नहीं। सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, काबिल तारीफ करनी होगी, पूरे सही समय पे रिमी ने वहां से अपनी पोजीशन हटा ली और टैग दे दिया है अल्फा जी ने। बहुत जबरदस्त दो पंच कर दिए, देखिए फिर से कितनी छोटी हरकत कर दी, टैग
कर दिया है मोना को और मोना सरप्राइज्ड है। और अल्फा जी मुझे लगता है अब इनको एक ही है, मैच में जीत पाना, बस वही इनकी चाहत है। ये देखिए किक करके आउट कर दिया है पूरा वीडिया एक, और मुझे लगता नहीं अब आएंगे। और ये बाहर जाते हुए अपनी एथलेटिज्म दिखाते हुए, ओ मुझे लगता है नहीं मारने की कोशिश करी बट स्केप करके बहुत जबरदस्त तरीके से बुक बूट कर दिया है वीडीआई ने। और मुझे लगता है अब इनका एंड गेम हो चुका है अल्फा जी का, और बट ऐसा नहीं है, दोबारा आते हुए देखिए टैग कर दिया है। इतना इनको रिंग प्रेजेंस है कि टैग देना बहुत जरूरी है टैग टीम मैच में। और रिमी ने आते ही स्पिनिंग नेक ब्रेकर लगा दिया है मोना को और पिन के लिए जा रही हैं, बट दो पर किक आउट कर दिया है मोना ने। और यहाँ पर फिर से मैं बात करूँगा एक्सपीरियंस की, जो कि मोना बार बार दर्शाती हैं, रिमी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और विप कर दिया है और शॉर्ट गन ड्रॉप किक मार के रिंग के बीचों बीच गेर दिया है रिमी को। और मुझे लगता है अब ये फिनिशियर की ओर जाएंगी अपने, जो कि थर्ड रोप से बॉडी स्प्लैश कर सकती हैं। और ये देखिए फिर से बदतमीजी कर दी है वीडीआई ने, टैग ले लिया है। और ये देखिए बोल रहे हैं कि बाहर जाओ आप रिंग से, अब मैच का कंट्रोल मैं दूंगा। ओ चाटा मार दिया है, सर घुमा दिया है वीडीआई का। और रिमी ने सही समय पर फैसला लेके स्कूल बॉय पिन कर दिया है यहाँ पर और मैच को जीत लिया है। और मोना अपने आदर्शों पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए उन्होंने मैच के बीच में ही साथ छोड़ दिया वीडीआई को, और एक धमाकेदार चाटे से साबित कर दिया है कि वो फेयर गेम में विश्वास रखती हैं। बट हार तो हो गई है आज वीडीआई और मोना की एट लास्ट। और हमारे आज के विनर हैं अल्फा जी एंड ड्रीमी। और आपको मैच पसंद आया हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपने जो रिव्यूज हैं ओपिनियन है जरूर पोस्ट करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।